वैसे आप लोग इसके अलावा और क्या करते हो? कुछ एंटरटेन भी करते हो या सिर्फ परफॉर्म ही करते रहते हो? आप तो बिल्कुल ही भोले बंदे हो यार। भाई हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे एकेडमीज हैं और वो फन के नाम फन डाल सजावल को समझने में गलती तो नहीं कर रहा, मुझे लगता है वो कुछ और चाहता है। मुझे उसका चेक वापस कर देना चाहिए। रौनक जी। जी बाबा। क्या हुआ है? मेरा पप्पू बच्चा कुछ परेशान लग रहा है। नहीं बाबा परेशान नहीं हूँ। और आप क्यों ले आए? खुद ले आता है। ठीक है, तो वाकई परेशान नहीं है ना? वो स्क्रिप्ट जो लिख रहा हूँ उसकी एंडिंग समझ में नहीं आ रही, उसकी वजह से परेशान था। ठीक है, रात बहुत हो गई, सो जा, सुबह देख लेना। जी बेहतर। कहीं सजावल को समझने में गलती तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, मुझे बंदा ठीक लगता है। वैसे भी हमें क्या लेना देना उसका, क्या कैरेक्टर है? हमें तो बस अपने काम से काम रखना चाहिए। उसकी डिमांड्स मुझे कुछ और लग रही हैं। पब्लिसिटी वो नहीं चाहता, पता नहीं पैसा क्यों लगा रहा है वो। एक काम करते हैं ना, 4 लाख इस दिन काम आएगा, उससे पूछते पता लगाएगा वो। ठीक है, कॉल मिलाओ रशीद को। ओके। तुम बात करो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डन है। 4 लाख क्या हाल है तल्ला भाई, कहाँ आ रहे हैं आप? तल्ला भाई आपसे मिलना था। हाँ तल्ला भाई, आप आ जाओ एकेडमी, आ जाओ 1 घंटे में। हाँ मैं भी पहुँच रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात किस तरह स्टार्ट करूँ, किस तरह मैं आपको कहूँ। आप लोग तो जी राइटर लोग हो, अगर आप लोगों के पास अल्फाज नहीं है तो यकीनन बात कुछ खास ही होनी है। अगर आपको समझ नहीं ना आ रही होती, नहीं मेरा मतलब है कि जब आप शशोपंज में पड़ जाते हैं तो आपके अल्फाज ना गुम हो जाते हैं। आपने ना सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, खुल के बोले जी। क्या कहा सजावल साहब ने? उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं मनोमन आपके सामने वही अल्फाज बोल देता हूँ। सुन रहे जी रशीद, बोलिए। कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं या लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं? मतलब मैंने भी यही कहा, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो कहने लगे आप तो बिल्कुल सीधे आदमी हैं, आप तो भोले बन रहे हैं। गुजर खान में इस तरह की एकेडमी है जो फन के नाम पर फन डाल रही हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा अपने किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए दिया है, फन की खिदमत करने के लिए दिया है। समझ गया जी रशीद ना, सारा किस्सा समझ गया। आप लोग भी भोले बादशाह हो, एक लम्हे में आप लोगों ने हीरो को विलन बना दिया है। आपको इसमें विलनिश वाली कोई बात नजर नहीं आ रही? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। ये सब ना ज्यादा टॉक शो देखने का नतीजा है। गुज्जर खान से आया है वो, कोई वर्ल्ड बैंक से नहीं आया जो अपनी शराइत मनवाएगा। सीधे साधे आदमी को उठा के आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और रौनक भाई इदारा आपका है ना, आपका है तो मंशूर भी आपका ही चलेगा। उस बेचारे को इतनी तो इजाजत मिलनी चाहिए कि वो तसल्ली कर ले कि उसका पैसा ठीक हाथों में है कि नहीं। हाँ अगर फिर भी आपको शक है और रशीद पे भरोसा नहीं है तो लाओ जी वापस दे दो चेक, मैं उसको वापस कर दूंगा। पर आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए नया इन्वेस्टर ढूंढ के निकालूंगा। ये नहीं तरला भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही तो भरोसा है। ठीक है ये लो और जाके बैंक में जमा करवा दो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।